हमें क्यों नहीं बताया जी जदी ने, कब चले गए आप छुपके? इन दोनों की जिंदगी है नेहा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो भाई? कल को चल के इन्होंने इनको धोखा दे दिया तो मेरी बहन तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। पांच साल से दवाई तो दे रहा हूं। आर्य समाज का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया। लेकिन आप ये क्यों कह रहे थे कि खाली आपको आर्य समाज की शादी करनी है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? आर्य समाज करना था, नहीं कर लेंगे। आपने हमारी बहन को धोखा दे दिया, आप इन्हें समझाओ प्लीज। मुझे तो लगता है सारे वकील ही बेकार होते हैं। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल बैठे हुए हैं और ये आप देख रहे होंगे कि दो फीमेल और एक मेल है और मैं भी कंफ्यूज हूं कि इनका मैटर क्या है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग इनके सवाल है और इनके सिचुएशंस ऐसे हैं कि मुझे लगा कि वीडियो शूट करना चाहिए, लेकिन कैमरे पर नहीं दिखा सकते इनको क्योंकि अभी इनकी शादी होनी है और ये भी नहीं चाहते कि कैमरे पर आएँ। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कुणाल, नेहा और भाग्यशाली, ओके क्या बात है, आपका नाम तो भाग्यशाली। ओके ओके, तो ये बताइए कुणाल जी, आपको शादी करनी किससे है? इनसे, मेरी भाग्यशाली से, भाग्य पत्नी से। और ये कौन है? ये साली है, इनकी बहन छोटी। अच्छा, तो शादी इन दोनों को करना है, आप क्या करने आए हो? मैं इनके साथ आई हूँ। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि ये इनका किस टाइम तक साथ दे पाते हैं और किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि ये कहीं धोखा ना दे दे आपकी बहन को? ठीक है, बहुत कमाल है, ओवर पॉजिटिव ऐसा रही है मुझे लेके काफी। अच्छा ओके, आपको बुरा नहीं लगा ये? आपको ओवर पॉजिटिव कह रही है? नहीं, क्योंकि मैं हूँ ऐसी। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग कब तक एक साथ आगे जिंदगी को चला सकते हैं। तो ये आपके घर वालों को पता है कि आप जो, दोनों को मालूम है कि आपकी बड़ी बहन जो है किसी लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है? नहीं, सिर्फ मुझे पता है। अच्छा, इन्होंने केवल आपको, केवल मेरे को बताया, पार्टनर इन क्राइम आपको बना रखा है, है ना? अच्छा बताइए, तो क्या जानना था कुणाल आपको? देखिए, मुझे प्रोसेस जानना था सारा। हाँ, कॉल की हेल्पलाइन नंबर पे संतुष्टि मुझे हो गई, लेकिन जो हमारे साथ बैठी हैं इनकी सिस्टर, इनको संतुष्टि करनी है कि सही जगह हम आए हैं, तरीके से सारा काम होगा, ये सारी चीज। लेकिन आप ये क्यों कह रहे थे कि खाली आपको आर्य समाज की शादी करनी है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? हाँ, आर्य समाज करना था, कोर्ट का हम कुछ दिन बाद सोच रहे थे करने के लिए। अच्छा हाँ, तो ये कहीं आपका इंटेंशन गलत तो नहीं है, क्योंकि केवल आप आर्य समाज की शादी क्यों करना चाहते हैं, खाली कोर्ट का क्यों नहीं करना चाहते? मतलब हिंदू धर्म से अपना कर ले शादी, फिर उसके बाद आगे जाके पक्का करा लेंगे। इरादा मुझे आपका ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, इरादे पूरे हैं सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो कह रहे हैं कि ये खाली आर्य समाज की शादी करेंगे, आर्य समाज की शादी का मतलब होता है कि रिचुअल्स परफॉर्म हो जाएगा और रिचुअल परफॉर्म होकर शादी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा। हाँ। नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, वैसे ठीक है आर्य समाज में खाली रिचुअल परफॉर्म हो जाएगा, रिचुअल परफॉर्म होकर के शादी हो जाएगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपकी मर्जी है, आप दोनों की च्वाइस है कि आप कोर्ट में रजिस्टर्ड कराओ या ना कराओ। आर्य समाज के बाद से कोर्ट रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस होता है। हाँ। और वो कराना जरूरी होता है। हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करो। क्या आप अवेयर हैं कि दोनों चीजें करना जरूरी है? हाँ, दोनों चीजें करना जरूरी है, लेकिन सर अभी क्या है, हम पहले चाहते हैं शादी कर ले। हाँ। कोर्ट वाला हम बाद में कर ले, चूंकि थोड़ा सा कानूनी तरीके से हम जाना। अच्छा, नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, इस हिसाब से मतलब अभी आप केवल आर्य समाज कर ले। हाँ। बहुत पक्का नहीं कराना चाहते शादी? नहीं, पक्का कराना चाहते है, मतलब इतना करना चाहते है मतलब। अच्छा चलिए, आप बताइए, केवल आर्य समाज करेंगे तो वैलिड नहीं होगा सर? सात फेरे हो जाएंगे तब भी? नहीं, सात फेरे हो जाएंगे आर्य समाज से ले तो शादी तो वैलिड है, लेकिन ऐसा होता है कि आर्य समाज तो एक प्राइवेट संस्था होती है। आर्य समाज से शादी कर लिया और आर्य समाज से शादी करने के बाद से मान लो कि कल को इनको छोड़ना हुआ, जाके आर्य समाज वालों से सेटिंग कर लिया, किसी तरीके से सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया, कहीं गवर्नमेंट में तो रिकॉर्ड नहीं है ना? अच्छा, फिर ये मुझे छोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो महीने, तीन महीने, दो साल तक जो है आपको अपनी बीवी बना करके रखें और उसके बाद से जो है बोले कि अब हो गई, अब जो है सो अब लड़ाई झगड़ा हो गया और छोड़ दें। नहीं जी, हिंदू वाला भी तो वैलिड है ना फिर, आपका आर्य समाज जो आप करा रहे हो। कौन सा वैलिड है? आर्य समाज। आर्य समाज से शादी करना बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने आर्य समाज से किया तो कोर्ट में भी तो रजिस्टर्ड कराना चाहिए ना? बिल्कुल, आपकी कोर्ट में क्यों नहीं रजिस्टर्ड करा रहे हो, ये भी तो एक मुद्दा है ना कि कोर्ट में क्यों नहीं रजिस्टर्ड करा रहे हो? मैंने उसका एक डिमेरिट बताया कि खाली आर्य समाज से शादी करो, कल को
उस पर डाउट हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लड़की के साइड से हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही है, ये बोल देंगे कि फर्जीवाड़ा किया, इसने ऐसे ही सर्टिफिकेट बनवा लिया है और आपको रेप केस में और बाकी चीजों में अंदर डलवा सकती है, ये है ना। मैं ऐसा तो खैर नहीं करूंगी इस तरीके से चीजें। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो ये चीज मुझे भी बहुत डाउटफुल लग रही है कि कल को अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी फिर। अच्छा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप पूरा कंप्लीट करवाओ। हाँ, मैं केवल आर्य समाज करना चाहता हूँ, अभी कोर्ट वाले में बाद में करूंगा। नहीं नहीं, पूरा प्रोसेस कराना है कोर्ट आज का। शांत रहो, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। नहीं, कर लेंगे। आपने हमारी बहन को रोका था। भाग्यशाली, आप इन्हें समझाओ प्लीज। सर आप ही समझाइए, देखिए ये दोनों ऐसे ही बहस करते हैं, मैं बीच में फंस जाती हूँ इन दोनों की। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आर्य समाज मतलब मैरिज करके कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाए? मैं पूरा चाहती हूँ, अगर मैं फैमिली के अगेंस्ट जा रही हूँ तो कल के डेट में मुझे कोई उंगली ना उठाए किसी। तो इन दोनों की जिंदगी है नेहा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो भाई? कल को चल के इन्होंने इनको धोखा दे दिया तो मेरी बहन तो कहीं की नहीं रह जाएगी। आर्य समाज का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इन्होंने इनसे शादी किया था? ये तो किसी और लड़की से भी शादी कर सकते हैं। बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन आपके तो ये मान नहीं रहे ना। मैं क्या बोलूँ, आपके बहन के दोस्त हैं, मान नहीं रहे हैं, तो आप ये तो कह रहे हैं कि खाली आर्य समाज ही करेंगे और इनका जो है आर्य समाज क्या बताओ। अगर ये दोनों कह रहे हैं पैसे की दिक्कत है, पैसे तो आप ठीक ठाक कमाते हो। नहीं सर, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वही था कि हिंदू धर्म वाला करते, कोर्ट वाला बाद में करते। हाँ। फिर भी आप इनकी संतुष्टि के लिए एक बार पूरा आप एक बार प्रोसेस बता दो कि उसमें क्या क्या होगा, किस हिसाब से होगा। देखो, प्रोसेस अगर आप करते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको हमारे पास जैसे आए हो बुकिंग करा लो। एक बार जब आपकी बुकिंग हो जाती है उसके बाद से जिस दिन भी शादी करना चाहोगे उस दिन पहले रिचुअल के हिसाब से आर्य समाज में शादी हो जाएगी। कोई फैंसी ड्रेस वगैरह पहन के आने की जरूरत नहीं है, जो भी पहन के आओगे उसी में शादी हो जाती है, अलग से कपड़ा कुछ पहन के आने की नहीं जरूरत होती है। शादी हो गई, उसका फोटोग्राफ सर्टिफिकेट ये सब कुछ कोर्ट में जमा कराया जाता है, एक एफिडेविट भी बनवाया जाता है जो बहुत जरूरी एफिडेविट होता है, वो स्टेटमेंट का एफिडेविट होता है कि आप अपनी शादी से कभी नहीं मुकरेंगे, ये अपनी शादी से कभी नहीं मुकरेंगी, और दोनों के ऊपर इस शादी को करने के लिए कोई दबाव नहीं है, ऐसे करके एक एफिडेविट भी बनवाया जाता है। ये एफिडेविट जब बन जाता है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड करा देते हैं। सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको आप चेक भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट हमारा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सेम डे में मिल जाएगा। यूपी से गाजियाबाद से अगर करते हैं तो, और अगर दिल्ली से करते हैं तो नेक्स्ट डे में मिलेगा। तो ये प्रोसेस है। फैमिली के लिए दिक्कत अगर हो तो आप इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। कई बार पुलिस जो है ये बोलती है कि मुझे सूचना नहीं मिला है, इस वजह से इनके खिलाफ आपके पेरेंट्स मिल करके इनके खिलाफ FIR लिखवा सकते हैं, और एक बार जब FIR हो जाता है तो उसे निपटारा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम FIR होने से पहले इंटीमेशन लेटर भिजवा दें या हमारे पास रिसिप्ट होना चाहिए जिसमें हम ये दिखा सकें कि हमने पुलिस को इंटीमेशन लेटर भेज दिया है। और सेकेंड चीज़ है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि पुलिस अपने जाँच के दौरान आपको बैठा लेगी और बोलेगी कि चूंकि इसमें कोई भी आपने पब्लिकली तो शादी किया नहीं जैसे समाज में होता है, आप कहीं गए जाके शादी कर लिया, पता नहीं कौन पंडित जी थे, कौन विटनेस था, तो आप तब तक के लिए दोनों लोग अपने अपने घर जाओ, हम जांच करेंगे और उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि आप ये शादी सही या नहीं है। तो ऐसे पुलिस बोलती है तो हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा देते हैं। वो पब्लिकेशन जो होता है प्राइवेट पब्लिकेशन होता है, सब्सक्राइबर बेस्ड होता है तो पब्लिकली नहीं मालूम चलता है, लेकिन न्यूज़पेपर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें आ गया तो फिर पुलिस का ये सवाल नहीं रहता कि भाई ये पब्लिकली शादी नहीं हुई है या प्राइवेटली शादी हो गई है, तो बिल्कुल ठोस शादी हो जाती है। इसके होने के बाद से ये अगर चाहें भी तो ये छोड़ नहीं सकते। जो आपको डर है ना कि 2 महीने बाद मेरे या 2 साल बाद अगर बहन को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। मेरे मन में एक सवाल है सर। हाँ। कि जैसे आप बता रहे हो कि सारा काम करो, पक्का काम करो, अगर करना है आपको आर्य समाज करो, कोर्ट रजिस्ट्रेशन करो, तो उसके बावजूद अगर मान के चलो जैसे हमारा 5 साल का बॉन्ड है, मैं तो इनसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे ये भी पता है, ये भी मैं सच्चा प्यार करती है, एक दूसरे से हम साथ रहना चाहते हैं, कल को 1% कुछ अगर ऐसा होता है कि ये पीछे हटती है तो सर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये देखो शादी हो गई है, अगर ये पीछे हटती हैं तो उसके बाद से आप चाहो तो इनको साथ में रखने के लिए
सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसको यूज कर सकते हो और मजबूर कर सकते हो कि इनको अपने साथ रखो। हैबियस कॉर्पस के थ्रू अगर ये छोड़ के चली गई हैं, किसी ने डिटेन कर लिया तो इनको वापस बुला सकते हो, या फिर अगर ऐसा हो जाता है कि एकदम ही नहीं बन पा रही है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो डिवोर्स ले सकते हो। इनको आपको पूरा खर्चा पानी देना होगा। नहीं देंगे सर। अच्छा, लेकिन मुझे देख के तो यही लग रहा है कि आपका इरादा ठीक नहीं, बुरा मत मानिए, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि खाली आर्य समाज की शादी करेंगे, और ये जो आपकी होने वाली साली साहिबा है ये भी इस बात को खूब ठीक तरीके से समझ रही है। तो तुम क्या चाहती हो? देखिए, मेरी बहन तो कभी नहीं छोड़ेगी, बट इनकी किस बात की श्योरिटी है कि ये नहीं छोड़ेंगे? अच्छा। अभी इन्होंने कहा कि ये इनको धोखा नहीं देंगे, है ना, लेकिन इनकी क्या गारंटी है? ये धोखा दे दे तो क्या करेंगे? ठीक है ठीक है, बात तो सही है। बताओ, धोखा दोगे? नहीं, धोखा नहीं दूंगा मैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट वाला भी काम कर लूंगा, मुझे हाँ। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से। अच्छा। कोर्ट वाला भी करते हैं, चूंकि मुझे को ना देखो विश्वास हाँ। तो और किसी पे था हाँ। लेकिन हम थोड़ा सा धोखा खाए हुए हैं हाँ। इनको अच्छा। नहीं बताया इस हाँ। चीज को, नहीं आके मतलब हम कहीं और भी गए थे मैरिज का प्रोसेस कराने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे को चीट किया गया। क्या चीट किया गया? मतलब कि शादी हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और नोटरी कागज कुछ ऐसा दे दिया गया है, तो वेरीफाई वगैरह कराया आपके हेल्पलाइन नंबर पे, तो पता चला कि फर्जी है सारा। तो आप उन एडवोकेट से बात करते हो, मना करते हैं कि जी हमारा ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सारी चीजें होने के बाद अब कल को दिक्कत कुछ ऐसी ना हो, जैसे मैंने बताया अभी आपके सामने, कल को ये छोड़ दें या इनके घर परिवार कुछ दबाव डाल के छुड़वा दें हम दोनों के बीच कुछ अलग, तो उसलिए हम पक्का काम थोड़ा सा देख रहे हैं कि उस हिसाब से हो। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, तो मैरिज कर लो, मैरिज के बाद रजिस्ट्रेशन करा लो। ये तो आपके साथ गलत ही हुआ है ना कि भाई जो है वो किसी ने नोटरी पेपर पे करा दिया, तो धोखा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक चीज बताओ, नोटरी पेपर पे जब तुम्हारी शादी हो गई, अब तो खैर कंफ्यूजन दूर हो गई नोटरी पेपर पे, तो उस समय जाकर के अभी जो इतने जागरूक हो गए हो और ये कर रहे हो, नोटरी पेपर पे शादी जब कराया था तो नहीं पता किया था कि क्या हो रहा है, कौन सा पेपर बन रहा है, कैसे बन रहा है, कोर्ट में कहाँ गए, रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? अब सर देखो, इस काम में एक्सपीरियंस तो है नहीं। अच्छा। पहली शादी है हाँ। चाहे वो अरेंज हो लव हो हाँ। तो इसलिए धोखा खाए हुए थोड़ा सा हाँ। कि इस हिसाब से अब एडवोकेट पे हम भरोसा करते हैं हाँ। और भी लोगों पे भरोसा किया, लेकिन सभी ने धोखा दिया है। मतलब आपको 2 से 3 हम वकील के पास गए हैं हाँ। जिन्होंने पैसा ले लिया, हर चीज ले लिया, कोई फायदा नहीं मिला कहीं से लेके कहीं तक भी हाँ। सर्टिफिकेट भी मतलब लेके रख लिए उन्होंने, आपको दिखे हाँ। और फोन में व्हाट्सएप पे फोटो खिंचवाए हाँ। और कि हम सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं आपको, आप इसका प्रिंट निकलवा लो। अच्छा। मुझे तो लगता है सारे वकील ही बेकार होते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे लगता है? जैसा कि ये बता रहे हैं, नोटरी पेपर पे शादी किया लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हाँ। वो धोखा ही तो हुआ हमारे साथ हाँ हाँ। तो हम इस बात की क्या गारंटी? तुम थी जब शादी ये हो रही थी, हमें क्यों नहीं बताया जीजा जी ने? कब चले गए आप छुप के? आपको नहीं पता, हम दोनों गए थे बस। तो हमें क्यों नहीं बताया आपने? आज भी तो लाए हैं, उस टाइम पर भी लेके जाना चाहिए, नहीं लाना चाह रहे थे हम तो। अब देखो ना, बीच में कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो हमें भाई जीवन गुजारना है ना उनके साथ, हम देख रहे हैं अपना अच्छा बुरा। तो शादी हो जाएगी जब ये अपने ससुराल जाएगी, तो तुम भी जाओगी साथ में? नहीं, साथ में नहीं जाएंगे, फिर भी पक्का काम तो होना। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो ठीक से है, सुखी है? तो इनसे कह रहे हैं कि देखिए, गन के घर परिवार के राजी नहीं है हाँ। यही बीच में आ रही है बार बार, हम कह रहे हैं कि आप भी पीछे हट जाओ हाँ। आपको भी कुछ नहीं पता है इस बारे में, कल को आपके ऊपर दिक्कत ना आए कुछ ऐसा, तो इस हिसाब से हम मना कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं पता। बहन से प्यार है ना, अब अपनी बहन को लेके हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप कल को छोड़ दिए तो फिर ये कहाँ जाएंगी? हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो, बात तुम्हारी गलत नहीं है वैसे। और अभी भी ये कह ही रहे थे कि उनको पक्का काम नहीं कराना है, कोर्ट वाला सिर्फ आर्य समाज कराना चाहते हैं हाँ, तो किसी भी हाफ पे तो ये बोल रहे हैं ना ये चीज। हाँ हाँ, बात तो सही है। आप इनके बारे में पढ़िएगा, मैंने बहुत रिसर्च करके आया इनके बारे में, ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, काफी शादी कराया है, कमेंट देखिएगा इनका, CPMA इनका ऑफिस है 12 खंबा रोड पे, वहां भी मैं मिलकर आया था, आपको नहीं पता इस बारे में कुछ, तो बहुत ट्रस्ट वाले पर्सन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ सारा चीज अच्छे से होगा। कौन जानकारी लेके आए हैं ना अब आप? मैं तो लेके आया हूँ, आप नहीं लेके आए इनके बारे में, मुझे लग रहा है जानकारी प्राप्त करने ही तो आए हैं आपके साथ में। देख लीजिए अपने हिसाब से, आप अपनी बहन से बात कर लीजिए। ठीक ठीक है, नहीं नहीं तुम इतना डरो मत, बात यह है कि ये काम तो सही तरीके से होगा, लेकिन तुम नजर रख रही हो, ये ठीक है, रखना चाहिए, है ना। तुम कितने साल की हो? मैं भी 21 साल की हूँ। 21 साल की हो गई हो, तो तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस वैसे हो जाएगा कि किस तरह से शादी वादी होती है और कैसे क्या होता है, सब चीजों का नॉलेज होता है। हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं होती कि आपकी बहन इतना डिस्टर्ब करती है? इन लोगों का दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, हमेशा ये लोग किसी ना किसी बात पे डिबेट करते रहते हैं।
मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इंटीमेशन और न्यूज़पेपर के बारे में बताया, हम लोग अभी शादी को बताना नहीं चाहते हैं घर में, ठीक है, लेकिन क्या वो पेपर जाएगा तो नहीं ना? इंटीमेशन तुम बुक करवा लो और उसको भिजवाओ तब जब घर में बताना हो। अच्छा, मतलब पहले से करा? हाँ, बुक करा लो, क्योंकि तुम्हें कभी बताना पड़ सकता है ना, तो बुक करा के रख लिया, लेटर तब भिजवाओ जब बताना हो उससे 5 दिन पहले। हाँ, ये ठीक है सर। और अखबार में तो पब्लिकेशन करा सकते हो, क्योंकि उसकी कॉपी अपने पास में रखनी है, डिजिटल कॉपी, और वो पब्लिकली मालूम नहीं चलना है किसी को, तो वो तो आप अभी भी करा सकते हो। उसमें पक्का है ना? 110% पक्का है, 110% पक्का है, कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को कहीं छुपके रहना पड़ेगा या फिर घर में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब अगर बताना होगा शादी के बाद से, अगर मान लो आप घर में बताओगे, तो घर में बताओगे, तो अगर घर में चले गए साथ में और जाके बता रहे, तो घर वालों में तो गुस्सा होगा ना, बहुत मारपिटाई भी कर सकते हैं। तो ये कोशिश करो कि 3-4 दिन तक कहीं रहो, उस टाइम पे बता दो, और बताने के बाद से जो है जब वो थोड़ा शांत हो जाए तब जाओ वापस घर में। नहीं, कहीं कहीं पर सुना है ना कि कहते हैं कि शादी के बाद 3 महीने तक छुपके रहना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सर्टिफिकेट मिल गया पूरी तरह से शादी वैलिड है आपकी, चाहो तो सेम डे में भी घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट मिला, हमारी शादी वैलिड है। वैलिड है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि एक चीज ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप शादी वाले दिन भी रहोगे? हाँ जी। आप विटनेस भी बनोगे क्या? हाँ, मैं विटनेस बन जाऊंगी। एक विटनेस और लाना पड़ेगा या एक से ही काम चल जाएगा? नहीं नहीं, एक और लाना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत एक है उसमें, आप देख लेना। हाँ जी, विटनेस का नाम सर्टिफिकेट के ऊपर आता है। अच्छा, विटनेस का नाम भी? हाँ, तो पता चल जाएगा आपके घर वालों को कि इन दोनों की शादी कराने में आपका हाथ है। तो फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? विटनेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर मान लीजिए यही आपस में झगड़ने लगे, बोले कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, तो विटनेस को बुलाया जाता है। और ऐसा हो जाए कि ये दोनों मिल ही नहीं रहे, ठीक है, खोए हुए हैं कहीं पे, ठीक है, और सर्टिफिकेट मिल गया पुलिस को, उसमें दिखेगा कि आप विटनेस हो, तो पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी कि तुम शादी वाले दिन थी इनके साथ में, तुम बताओ कि कहाँ है वो। और घर वाले अलग से, कि घर वालों को तो ये मालूम चल ही जाएगा कि बड़ी बहन के शादी में तुम भी शामिल थी, तो खाया पिया कुछ नहीं, और घर वालों की जो पिटाई होगी वो ठीक से मिल जाएगा। हम चाहते भी हैं हम दोनों ही आए। भाई आप तो आप देख लो, आप बात कर लो, है ना, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आप जबरदस्ती क्यों इनके साथ जो है लगे हुए हो? मैं अपनी बहन को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे चल के इनके साथ कुछ भी किसी भी प्रकार का धोखा हो। तो आपको लगता है जिनके साथ में इन्होंने चुनाव किया है शादी के लिए, ये सही व्यक्ति है? कह तो रहे हैं कि 5 साल का रिलेशन है, लेकिन आगे चल के लोगों का मन बदल जाता है, उस वजह से छोड़ देते हैं। हाँ, तो किसी के इंसान पर भरोसा करने में समय लगता है। बात तो सही है, बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है कि भरोसा करने में समय लगता है। आपको कब पता चला था इनके बारे में? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल ही हुआ है, 5 साल का रिलेशन है, 1 साल पहले ही पता चला है मुझे। अच्छा। लेकिन इन्होंने पहले भी बात किया, ये तो शुरू से ही आपको इन पे डाउट है या आपको आप क्लियर हो इनको लेकर? थोड़ा थोड़ा डाउट है इनको लेकर, डाउट है कि ये धोखा दे सकते हैं। ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ सही शादी होगी? हाँ, शादी सही होगी, लेकिन आप तो भरोसा करने में थोड़ा समय लगेगा ना हमें। नहीं तो एक बार शादी हो जाएगी ना, तो शादी टूट नहीं सकती, उसके बाद से तो अगर इन्होंने धोखा दिया तो फिर इनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये बयान पलट देते हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, जेल जाना। हाँ, धोखा इनको और अपनी पूरी कमाई का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अच्छा, पूरा ये डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एलिमनी मेंटेनेंस सब मांग सकते हैं। अच्छा। तो उनको पूरा अधिकार मिल जाएगा शादी होने के बाद से, है ना, तो उसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, धोखा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी बहन को भी समझाना कि ये भी धोखा ना करें। ये इनका पहला अफेयर है या इसके पहले भी हो चुका है? नहीं, पहला ही। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को पूछना नहीं चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। मतलब हाँ। आपका तय हो गया ना नेहा जी, की वकील सही है ये? हाँ, ये वकील बिल्कुल सही है, काम पक्का कराएंगे, तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारा काम यही कराएं। अच्छा, हाँ जी। तुम संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल। क्या अच्छा लगा तुमको यहाँ पे? मुझे यहाँ के सर्टिफिकेट्स पे थोड़ा भरोसा हुआ, और आप इंटीमेशन न्यूज़पेपर के बारे में जैसी जानकारी दे रहे हैं कि उससे हमारी सेफ्टी, इन दोनों की सेफ्टी रहेगी पूरी ना, कल को कोई एफआईआर हो जाता है या लड़का ये स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, सबसे बड़ी बात की, तो फिर इनको जेल हो जाएगी। अच्छा। तो उस चीज से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अगर ये धोखा देते भी हैं तो मेरी बहन की सेफ्टी रहेगी। ठीक है, यहाँ आने से पहले तुम मेरे किसी स्टाफ से मिली हो, बात करी हो? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने पहले भी आपके कुछ इंटरव्यूज देखे। नहीं नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि मैं यहाँ आने से पहले, मेरे से मिलने से पहले क्या मेरे किसी स्टाफ से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी।
हुई है, तभी मैं संतुष्ट हूँ आपकी इन सभी जानकारियों से, तभी मैं इनको इंटरव्यू के लिए भी रेडी हूँ, अदरवाइज मैं चली जाती इनको लेके। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर नेहा ना चाहे तो तुम लोग शादी करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर, लेकिन इसको इसलिए लेकर आए क्योंकि इसके सवाल मुझसे भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे लेके, शादी को लेके, सही है गलत है। हाँ। उनसे मतलब वो जितना मुझे याद नहीं करते, मैं जितना याद नहीं करती हूँ, ये उससे ज्यादा। तुम्हें लगता नहीं, मतलब मैं तो ओपनली पूछ रहा हूँ, वैसे लव मैरिज के लिए आप लोग आए हो, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम लोग के लाइफ में थोड़ा सा समझाना चाहिए नेहा को कि भाई इतना इंटरफेयर मत करो? बहुत सी चीजें समझाई है सर, पर ये थोड़ा इसका होता है कि जब माँ बाप को भी नहीं पता है, तो अगर मुझे पता है तो मैं तुम्हारे लिए सही। और इस बात को लेकर के आप दोनों में लड़ाई नहीं होती है? सर, लड़ाई तो होती है, लेकिन समझाना एक दूसरे को पड़ता है। अभी लड़ाई होगी 10 मिनट, फिर हम फिर प्यार हो गया, प्यार फिर हो गया। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? तो आप लोगों की बॉन्ड तो मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रही है। और कोई सवाल है, और कुछ पूछना चाहते? रजिस्ट्रेशन को लेके सवाल था, जिस दिन हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब क्या क्या चीजें होंगी हमारे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कोई पूछताछ करेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन जाओगे, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कराना हमारा काम है, हम रेडी कराएंगे। हम बोलेंगे कि अब आपको कोर्ट में जाना है, तो आपको कोर्ट में जाना होगा, हमारे आपके साथ कोई होगा, कोई उल्टे सीधे सवाल आपके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग रहेंगे वहाँ पे, हमारा एक बहुत पहचान और रेपुटेशन है, तो इस तरीके से उल्टे सीधे सवाल नहीं होते हैं और बिल्कुल स्मूथली सब कुछ हो जाता है, एक ही तरीके से सवाल जवाब होता है। अगर आप मेरे को कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे दोगे, आपने मेरे को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जो फर्जी है, और वो पहचान में आ गया वहाँ पे कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो आपसे पूरे सवाल जवाब होंगे, आपके डॉक्यूमेंट कम्प्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आपको इनका? डॉक्यूमेंट में दोनों का आधार कार्ड चाहिए, दोनों के कोई भी एक आईडी प्रूफ दे दें, और एक बर्थ प्रूफ दे दें। बर्थ प्रूफ में 10th की मार्कशीट हो जाएगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। है ना, या पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये भी चलेगा। की मार्कशीट तो सबमिट है ना, बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। अब जैसे ना क्या है सर, मैं बताता हूँ एक चीज कि इनके आधार कार्ड ना यूपी के हैं, ठीक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, शुरू से तो दिल्ली का है, तो ये कह रही थी नहीं जी मतलब कि यूपी से कर लो, यूपी के वकील देख लो, कोई कर लो, वहाँ से करो, यहाँ से करो। भाग्यशाली क्या कह रही है? भाग्यशाली तो जहाँ आप वहाँ मैं। अच्छा, भाग्यशाली के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, ठीक है। तो आप कहाँ कह रहे हो दिल्ली से करने के लिए? नहीं, यूपी से। यूपी से क्यों? यूपी से कह रहे हो? यूपी से करने का फायदा मैंने सुना था कि वहाँ से आपका एक ही दिन में हो जाता है प्रोसेस, दिल्ली से 2 दिन का समय लगता है, तो दिल्ली से 1 दिन में क्यों नहीं पहुँच? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ का रूल अलग है, यहाँ पे ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन से 1 दिन पहले शादी हुई होनी चाहिए दिल्ली में, जबकि यूपी में आप सेम डे में शादी और रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। तो वहाँ का सर्टिफिकेट वैल एक्सेप्टेड होता है? काम पक्का है वहाँ भी? हाँ, ठीक है। वहाँ भी आप ही की टीम है आपको, कैसे यूपी वाले? हाँ, मेरी ही टीम है, सब जगह मेरी टीम है, ठीक और प्रॉपरली हो जाएगा। तो जीजा जी संतुष्ट हैं आप? मैं तो संतुष्ट हूँ जी, से कराने के लिए। मैं तो हर जगह संतुष्ट हूँ सर, सर का जहाँ कराएंगे हमारा काम बढ़िया कराएंगे, मैं इतना जानता हूँ। तो जीजा जीजा जी जब बोल रही हैं आपके साली साहब, तो अच्छा लग रहा है सुनके आपको? थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है। मतलब एक बात तो सर ये होगा, ये जब आई थी मेरे साथ तो इनके 2 मोटे सवाल थे, एक तो वकील पे भरोसा नहीं कर रही थी, दूसरा मेरे पे भरोसा नहीं कर रही थी। अच्छा। चलो मेरे पे भरोसा थोड़ा सा अभी नहीं कर रही है, लेकिन आप पे तो भरोसा पूरा कर रही है। इन पे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूर्ण काम अच्छे से करा देंगे हमारा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, इस सब आपकी बदौलत हुआ है सर, राजी हो गए हैं। हाँ। और सर ने आपको इस तरीके से कन्विंस कर लिया है। हाँ। आपकी बदौलत हुआ है सर ये सारा चीज। चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपने सवाल पूछने के लिए, और आप लोग आए वीडियो में, थैंक यू सो मच।